नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में आप समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के सामने हाथों में हथकड़ी पहनकर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताते हुए मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीजेपी कार्यालय से चलता किया तो वो विट्टन मार्केट की ओर नारेबाजी करते हुए कूच करने लगे, जिन्हें पुलिस ने सुभाष स्कूल चौराहे के पास से ही रोक कर गिरफ्तार कर लिया। हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो क्रांतिवीर कहलाते हैं शिक्षा के विभाग में, उन्होंने शिक्षा में गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाई जिसका उन्हें विदेश में भी सम्मान मिला। मगर हमारे देश भारत में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा झूठी जो है सीबीआई की जांच करवाई गई जिसमें कोई सबूत नहीं मिले, फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया है। कल उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है और मांग करती है। डिंडौरी में कथावाचक ऋचा गोस्वामी नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान ऋचा गोस्वामी ने डिंडौरी नर्मदा तट के किनारे रुद्र अभिषेक किया और इसके बाद नर्मदा में हठ जल साधना योग की। रुद्र अभिषेक के दौरान ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा में कपड़ा धोने और साबुन से नहाने वालों से नर्मदा में साबुन न लगाने की अपील की। इसी दौरान ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा नदी में मिलने वाले नालों को रोके जाने की मांग करते हुए नर्मदा तटों के किनारे नर्मदा पथ बनाए जाने की मांग की, ताकि वहाँ की मूर्तियाँ वापस आए, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं वहाँ पे पुजारी की व्यवस्था हो, नियमितताएं हो पूजा में, और जो भी यहाँ के अप्रकाशित मतलब लुप्त होते जा रहे तीर्थ हैं उनको फिर से प्रकाश मिले। मध्य प्रदेश के ट्रांसजेंडर के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अब तीसरी कैटेगरी यानी कि महिला पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर का भी विकल्प दे दिया है। ऐसे में अब सरकारी नौकरियों के लिए ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी भर्तियों में ट्रांसजेंडर को भी पुरुष और महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया है। वो भी इंसान है, उनमें भी भावनाएं होती हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के ट्रांसजेंडर की स्थिति में सुधार होगा। कटनी का एक वीडियो बहुत तेज से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक टीआई की गाड़ी में बम फेंकने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में सौरभ गुप्ता नाम का युवक वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहा है कि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस युवती से वो प्यार करता है उसने उसे टीआई की गाड़ी में बम फेंकने के लिए कहा है और टीआई की गाड़ी में बम फेंकने के बाद वो उससे शादी कर लेगी। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। मंडला के सिटी कोतवाली इलाके में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जहां बस पलटने से 9 यात्री घायल हो गए हैं। इसके बाद आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी बस जबलपुर से मंडला की ओर जा रही थी। फिलहाल बस दुर्घटना होने का कारण साफ नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में निजी अस्पताल के मनमानी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कटनी जिले का है, जहां डॉक्टर रूपा लालवानी के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इस दौरान इलाज के नाम पर परिजनों से हजारों रुपए ऐंठ लिए गए। इसके बाद महिला की हालत नाजुक बताते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे अस्पताल में भर्ती करने के दौरान ही महिला की मौत हो चुकी थी, ये बताया गया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। सुबह 9 बजे ये अस्पताल में मरीज सही सलामत था, उसके बाद इलाज चला है ना, इलाज करती रही 2-3 बजे के बाद इन लोगों ने अंदर रूम में ले गए। कई प्रकार का इलाज बताई हम लोग को, अंदर जाने नहीं दी है ना, मिलने नहीं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे 8 बजने के बाद इनने बोला रिफर ले जाने के बाद मैं दिखाया धर्मलोक में, तो महिला सिस्टर वहाँ की बोल रही है महिला कब की मरी हुई है ना, तो ये लोग मुर्दों का इलाज कर रहे थे। लक्ष्मी विश्वकर्मा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी हुई है। उनके पति ने बताया कि हम चलिया के रहने वाले हैं, सुबह सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो उनको अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर लालवानी साहब के यहाँ लेके आए थे और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में विकास यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। इस खास मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट कानून के जनक दिलीप सिंह भूरिया को भी याद किया और ऐसा पैसा एक्ट कानून के बारे में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को कहीं भटकना नहीं पड़ा। झाबुआ और
अलीराजपुर में जिले में नामांतरण बंटवारा संबंधित राजस्व की समस्याओं के निपटाने के लिए 27 फरवरी से 17 मार्च तक गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इसी दौरान पैसा है कि कानून के तहत ग्राम समिति को मिली जल जगत जमीन की सुरक्षा ताकत के बारे में भी बताया गया। भोपाल के बैरसिया में 9 दिवसीय शिव महापुराण सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी, जहां कथावाचक स्वाति किशोरी मिश्रा ने बताया कि कथा ये कहती है कि आप आस्था और विश्वास से शिव की आराधना करें, लोगों को योगी नहीं बल्कि उपयोगी बनने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण सामान्य लोग नहीं है, ये वे लोग हैं जिन्हें शिव तत्व प्राप्त हुआ है, शिव की कृपा प्राप्त हुई है। उस कृपा के प्राप्त होने के कारण अब ये पूरी कथा यहाँ रुक कर भगवान शिव को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अगर परिवार में सब्र हो तो घर स्वर्ग हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ी अक्षर पटेल अपनी पत्नी मेहा पटेल के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का अभिषेक किया। गौरतलब है कि अक्षर पटेल पिछले महीने ही शादी के बंधन में बंधे हैं। वहीं दर्शन के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर बहुत सुकून मिला है और जैसा दर्शन चाहता था वैसा ही दर्शन हुआ है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है, जहां 1 मार्च से ये मैच होना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अंबिकापुर इलाके में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जाके टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि 3 युवक शहर के एक दुकान में काम करते थे। वहीं हादसे की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे मैं भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।